क्वेश्चन नंबर सेवन मिस्टर ए इज़ द ओनर ऑफ हाउस इन मुंबई कंप्लीटली लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल कंसिस्टिंग ऑफ ऑफ टू फ्लैट्स डिफरेंट मिस्टर ए ओनर है हाउस के जो कि लेट आउट परपज के लिए दिया गया है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए और उस हाउस में दो अलग अलग फ्लैट दो फ्लैट हैं अलग अलग साइज के दे आर लेट आउट एट रुपीज फाइव थाउजेंड पर मंथ एंड सेवन थाउजेंड पर मंथ रिस्पेक्टिवली फर्स्ट फ्लैट का रेंट है फाइव थाउजेंड पर मंथ और सेकेंड फ्लैट का है सेवन थाउजेंड पर मंथ म्यूनिसपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 96,000 सिक्स थाउजेंड द रेट ऑफ म्यूनसिपल टैक्स इज एट द रेट फिफ्टीन परसेंट पर एनम एम वैल्यू और म्यूनिसिपल टैक्स को आप क्या करोगे कि रेंट के रेशियो में डिवाइड कर देंगे कहने का मतलब कि 96,000 है सबसे पहले इसका हम रेशियो निकाल लेंगे रेंट की मदद से तो फाइव रेशियो सेवन आ जाएगा ये तो फाइव अपॉन ट्वेल्व इंटू नाइन्टी कर देंगे तो फर्स्ट फ्लैट का म्यूनसिपल वैल्यू आ जाएगा वैसे ही सेवन अपॉन ट्वेल्व इंटू कर देंगे तो सेकेंड फ्लैट का म्यूनसिपल वैल्यू आ जाएगा फिर रेट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स तो 96,000 का 15 परसेंट निकाल देंगे उसको भी हम फाइव रेशियो सेवन के आ, उसमें निकाल देंगे the other particulars of the house are as under. the house is newly constructed. construction was completed on 1st april 2017. interest on uh, construction complete hogatha 1st april 2017 ko. interest on loan of rupees 1 lakh taken on 1st april 2014 at the rate 10% per annum to construct the house is rupees 10000 for the year. इंटरेस्ट फॉर द प्रसिडिंग थ्री ईयर्स वॉज ऑल्सो पेड बट नॉट क्लेम्ड एज अ डिडक्शन तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर लोन का जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी कैलकुलेट हमको दिया हुआ है टेन थाउजेंड रुपीज़ और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन जिस दिन लोन लिए होते हैं जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल 2014 को लोन लिया गया है और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट पहले जो थर्टी फर्स्ट मार्च आता है वहाँ तक हम इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड फर्स्ट अप्रैल टू से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन तक कैलकुलेट होगा क्योंकि फर्स्ट अप्रैल से पहले थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन ही यहां पे आता है द सेकेंड फ्लैट वॉज वैकेंट फॉर थ्री मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर जब हम सेकेंड फ्लैट का कैलकुलेशन uh, करेंगे तो उसमें वैकेंसी भी होगी तीन महीने की तो वहां पे हम जब लेस करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से तो म्यूनिसिपल टैक्स के बाद वैकेंसी भी लेस करेंगे लेकिन सिर्फ सेकेंड मंथ में सॉरी सेकेंड फ्लैट में फर्स्ट फ्लैट में नहीं कलेक्शन charges claimed by him were rupees seven hundred, बट एक्चुअल expenses वर rupees five hundred फॉर द ईयर तो कलेक्शन चार्जेज से हमको कोई भी मतलब नहीं वो हम नहीं लेते income from हाउस प्रॉपर्टी में Compute his इनकम from हाउस प्रॉपर्टी फॉर द assessment ईयर twenty to twenty three. सबसे पहले सोल्यूशन में सेवन के हम कैलकुलेट कर लेते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट ताकि हमको जब कैलकुलेशन करें तो उसमें आसानी हो हमारे लिए तो इसमें रेंट जो था फर्स्ट फ्लैट रेशियो सेकेंड फ्लैट का रेंट को हम लोग करते हैं तो फर्स्ट फ्लैट का है फाइव थाउजेंड रुपीज़ और सेकेंड फ्लैट का है सेवन थाउजेंड तो इसी के हम लोग रेशियो में सब कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव रेशियो सेवन तो सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो म्यूनिसिपल वैल्यू जो है फर्स्ट फ्लैट के लिए आ जाएगा फाइव फाइव है इसका और टोटल रेशियो फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व फाइव अपॉन ट्वेल्व इन टू टोटल म्यूनिसिपल वैल्यू है नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज इसको सॉल्व कर देंगे ट्वेल्व एट सर नाइनटी सिक्स थाउजेंड जाएगा फोर्टी थाउजेंड ये फर्स्ट फ्लैट का म्यूनिसिपल वैल्यू आ गया वैसे ही हम सेकेंड फ्लैट का म्यूनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड फ्लैट का रेशियो है सेवन और टोटल रेशियो फाइव प्लस सेवन तो हो जाएगा ट्वेल्व इंटू नाइन्टी सिक्स थाउजेंड तो हो जाएगा ट्वेल्व एट सा नाइनटी सिक्स तो फिर एट थाउजेंड हो गया सेवन एट सा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो सेकेंड फ्लैट का म्यूनिसिपल वैल्यू आ गया फिफ्टी सिक्स थाउजेंड और म्यूनिसिपल टैक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि म्यूनिपल टैक्सेस फिफ्टीन परसेंट पर आना तो म्यूनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ मुनिसिपल वैल्यू तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज ये हम कैलकुलेट कर लेंगे नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट यह आ जाएगा फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज म्यूनिसिपल टैक्स आ गया तो म्यूनिसिपल टैक्स टैक्स को भी हम लोग रेशियो में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट फ्लैट का हो जाएगा और रेशियो सेम रहेगा यही फाइव बाई ट्वेल्व फर्स्ट का और सेकंड का सेवन बाई ट्वेल्व तो फर्स्ट फ्लैट का म्यूनिसिपल टैक्स हो जाएगा फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू ये फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड पूरे हाउस का म्यूनिसिपल टैक्स था तो पहले फर्स्ट फ्लैट का हम निकालने फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू फाइव अपॉन टाइव था फर्स्ट फ्लैट का रेशियो और फाइव uh, प्लस सेवन ट्वेल्व टोटल हो गया तो फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू फाइव डिवाइड बाई ट्वेल्व यह आ गया सिक्स थाउजेंड रुपीज सेकेंड फ्लैट का म्यूनिसिपल टैक्स हो जाएगा भाई फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड पूरा म्यूनिसिपल टैक्स और सेकेंड फ्लैट का रेशियो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था सेवन बाई ट्वेल्व तो फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू सेवन डिवाइड बाई ट हो जाएगा एट थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज तो भाई फर्स्ट फ्लैट का म्यूनसिपल वैल्यू आ गया फोर्टी थाउजेंड फर्स्ट फ्लैट का म्यूनिशिपल टैक्स सिक्स थाउजेंड सेकेंड फ्लैट का म्यूनिपल वैल्यू फिफ्टी सिक्स थाउजेंड आ गया और सेकेंड फ्लैट का म्यूनिपल टैक्स 8,400. अब हम पहले फर्स्ट फ्लैट का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद फिर सेकेंड फ्लैट का फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लैट का कर रहे हैं तो फॉर्मेट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट कहीं भी नहीं दे रखा है इसका मतलब ये नॉट काउट वाला कंडीशन है सबसे पहले एक्चुअल रेंट लेंगे सबसे पहले ले तो कुछ भी सकते हैं लेकिन हम लोग सीक्वेंस से करते हैं ताकि ईजी रहे म्यूनिसिपल वैल्यू एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट तो म्यूनिसिपल वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखा है आ, दिया था हमने फर्स्ट फ्लैट का कैलकुलेट किया है फर्स्ट फ्लैट का है म्यूनिसिपल वैल्यू फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ तो फर्स्ट फ्लैट का हो गया म्यूनिसिपल वैल्यू फोर्टी थाउजेंड एक्चुअल रेंट फर्स्ट फ्लैट का है तो फिर इन दोनों में जो भी ग्रेटर है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो वो है सिक्सटी थाउजेंड रुपीज उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं तीन चीज पहला म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर और वेकेंसी और अनरियलाइज रेंट तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर वो भी हमने फर्स्ट फ्लैट का कैलकुलेट किया है फर्स्ट फ्लैट का म्यूनिसिपल टैक्स है सिक्स थाउजेंड रुपीज सिक्स थाउजेंड रुपीज और वेकेंसी और अनरियलाइज रेंट नहीं है वैकेंसी सेकेंड फ्लैट में है फर्स्ट फ्लैट में वेकेंसी नहीं है वेकेंट uh, नहीं है ये तो ये सिक्स थाउजेंड हम सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे इसको लेस कर देंगे हम तो याद आएगा फिफ्टी फोर थाउजेंड रूपीज और इसमें तो ये हमारा आ गया एनुअल वैल्यू तो म्युनिसिपल वैल्यू एक्चुअल रेंट फेयर रेंट विच इज ग्रेटर वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया फिर म्युनिसपल टैक्सेस पेड बाय बायो को लेस कर दिया आ गया एनुअल वैल्यू अब इसी के बाद हम एनुअल वैल्यू के बाद डिडक्शन कैलकुलेट करते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मिस्टर ए हैं ओनर ऑफ हाउस के और उसी के अंदर दो अलग अलग फ्लैट हैं तो पहले हम दोनों फ्लैट का एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद दोनों फ्लैट के एनुअल वैल्यू को ऐड कर देंगे उसमें से डिडक्शन करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है और आपका इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड ये पूरे हाउस पर कैलकुलेट होगा तो फिर उसके बाद अब सेकेंड हाउस का मैनुअल वैल्यू सेकेंड फ्लैट का एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसमें भी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले फ्लैट में मैं यहाँ पे ईयर लिखना भूल गया था फॉर द असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ये हो जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 सबसे पहले ये भी नॉट कोड वाला कंडीशन म्यूनसिपल वैल्यू एक्चुअल रेंट फेयर रेंट म्यूनिसिपल वैल्यू हमने कैलकुलेट की है सेकेंड फ्लैट का म्यूनिसपल वैल्यू है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ सेकेंड फ्लैट का क्या 56,000 फिफ्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ फिर एक्चुअल रेंट है सेकेंड फ्लैट का सेवन थाउजेंड पर मंथ सेवन थाउजेंड इंटू ट्वेल्व ये हो जाएगा एट्टी फोर थाउजेंड रुपीज़ फेयर रेंट है नहीं तो इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा तो एटी फोर थाउजेंड बड़ा है यही हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसमें से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ऑफ वेकेंसी और अनरियलाइज रेंट म्युनिसिपल टैक्सेस भी सेकेंड हाउस का हमने कैलकुलेट किया है सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल टैक्स है एट थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज एट थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज म्यूनिसिपल टैक्सेस वैकेंसी के बारे में बोला गया है कि सेकेंड फ्लैट वॉज वैकेंट फॉर थ्री मंथ ड्यूरिंग द ईयर तो थ्री मंथ तो सेवन थाउजेंड था सेकेंड फ्लैट का रेंट तो वैकेंसी हुई होगी तो सेवन थाउजेंड इंटू थ्री ये तीन महीने का रेंट थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन थाउजेंड रुपीज़ ये तीन महीने लेस हो जाएगा क्योंकि इस तीन महीने किसी ने रेंट नहीं दिया है और अनरियलाइज रेंट इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे एट थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस ट्वेंटी वन थाउजेंड यह आ गया ट्वेंटी नाइन थाउजेंड इसको हम लेस कर देंगे एटी फोर थाउजेंड में से यह आ जाएगा फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज ये भी हो गई क्या एनुअल वैल्यू ऑफ द सेकेंड हाउस सॉरी सेकेंड फ्लैट का अब फर्स्ट फ्लैट के एनुअल वैल्यू और सेकेंड फ्लैट के एनुअल वैल्यू को हम ऐड कर देंगे फिर उसके बाद उसमें से हम डिडक्शंस लेस कर देंगे अब टोटल एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस फर्स्ट फ्लैट का एनुल वैल्यू है फिफ्टी फोर थाउजेंड और सेकेंड फ्लैट का एनुल वैल्यू है फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इन दोनों को ऐड कर देंगे फिफ्टी फोर थाउजेंड प्लस फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यह आ जाएगा वन लाख एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये टोटल एनुल वैल्यू हो गई अब यहाँ हम लिखेंगे एनअल वैल्यू है वन लाख एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर पहला डिडक्शन होता है थर्टी परसेंट ऑफ एनुअल वैल्यू तो थर्टी परसेंट ऑफ वन लाख एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वन लाख एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का थर्टी परसेंट यह आ जाएगा थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी फिर सेकेंड पॉइंट हो जाता है इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर लोन पे वो ऑलरेडी हमको कैलकुलेट होके दिया है टेन थाउजेंड वन लाख का टेन परसेंट टेन थाउजेंड होता भी है टेन थाउजेंड रुपीज ये इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन हो गया फिर उसके बाद थर्ड होता है इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड जिसको कि हम कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है वो हम उस डे से कैलकुलेट करते हैं जिस दिन हाउस बनाने के लिए लोन लिया गया है तब तक लेते हैं तब तक कैलकुलेट करते हैं जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उससे जस्ट पहले वाला थर्टी फर्स्ट मार्च तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे लोन लिया गया है फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फोर्टीन को तो ये वाला एंड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च 2015 को फिर उसके बाद स्टार्ट होगा फ़र्स्ट अप्रैल 2015 को और ये भी ये एंड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च 2016 को हमको हर साल अकाउंटिंग ईयर क्लोज भी जिस दिन होता है उसी दिन करेंगे अप्रैल से मार्च तक फिर उसके बाद स्टार्ट होगा फर्स्ट अप्रैल 2016 से लेकर आ, ये जाएगा थर्टी फर्स्ट मार्च 2017 को और फर्स्ट अप्रैल 2017 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया यहीं पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उससे जस्ट पहले वाला जो आपका थर्टी मार्च होता है वही हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड वहीं तक तो ये सब 12 मंथ 12 मंथ 12 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा तो, तो लोन है वन लाख ,00 रुपीज़ का और टेन परसेंट के लिए और पूरे बारह महीने के लिए तो तीनों में यही होगा वन लाख का टेन परसेंट और पूरे बारह महीने के लिए वन लाख का टेन परसेंट तो ये आ जाएगा आपका टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका थर्टी थाउजेंड रुपीज उसके बाद हम इसको फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं टोटल इंटरेस्ट अपॉन फाइव जो कि हो जाएगा थर्टी थाउजेंड अपॉन फाइव सिक्स थाउजेंड रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड आ जाएगा फर्स्ट अप्रैल 2014 से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च टू तक का इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट होगा क्योंकि फर्स्ट अप्रैल 2017 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था तो जस्ट इससे पहले थर्टी फर्स्ट मार्च था 2017 में तो वहीं तक हमने कैलकुलेट कर लिया सिक्स थाउजेंड रुपीज़ आ गया थर्टी थाउजेंड इंटरेस्ट आया था उसको फाइव से डिवाइड कर दिया सिक्स थाउजेंड रुपीज़ आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड तो ये हो जाएगा सिक्स रुपीस अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी प्लस टेन थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड या आ जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी इसको हम लेस कर देंगे वन लाख एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से यह आ जाएगा सिक्सटी थाउजेंड ट्वेंटी टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो क्योंकि इस एक क्वेश्चन में दो अलग अलग फ्लैट थे तो पहले हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया उन रेशियो पे हमने एक्चुअल रेंट के बेसिस पे रेशियो कैलकुलेट कर लिया उन रेशियो के बेसिस पे म्यूनिशिपल वैल्यू कैलकुलेट कर लिए और फिर म्यूनिसिपल टैक्स भी उसी रेशियो के बेसिस पे कैलकुलेट किया फिर फर्स्ट फ्लैट का हमने एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया फिर सेकेंड फ्लैट का भी हमने एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद टोटल एनुअल वैल्यू ऐड कर दिया फर्स्ट और सेकेंड का फिर एनुअल वैल्यू में से हमने डिडक्शंस लेस किए और उसके बाद आ गया टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी